दोस्तों, एक बार एक बच्चा फल तोड़ने के लिए महादेव के शिवलिंग पर चढ़ जाता है और पेड़ से फल तोड़ते समय पेड़ के कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर जाते हैं और उस बालक के कुछ पसीने की बूंदें भी शिवलिंग पर गिर जाती हैं। तभी गांव के कुछ लोग उस बालक को देख लेते हैं और उसे खूब भला बुरा कहते हैं, जिससे वो बालक बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर महादेव प्रकट हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतने दुखी क्यों हो, मैं तो तुमसे काफी प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें जो भी वर मांगना है। तब वो बालक महादेव से कहता है कि मुझे उस पेड़ के फल चाहिए। तब महादेव तुरंत उस फल को तोड़कर उसे दे देते हैं। तब महादेव मुस्कुराते हैं और उस बालक से बोलते हैं कि पुत्र, तुम तो बहुत ही ज्यादा भोले हो, कुछ और वरदान मांगो। तब वो बालक कहता है कि मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब तुम्हारे मामा आएंगे तो वो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आते। क्या आप मेरे मामा को ला सकते हैं? तब महादेव ने उस भोले बालक की बात को सुनकर तथास्तु बोल दिया। लेकिन जब उस बालक ने ये सब अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने कहा कि इसके मामा तो मर चुके हैं, वो कैसे वापस आएंगे। फिर कुछ देर के बाद महादेव उस बालक के मामा बनकर आ जाते हैं। तब उसकी माता समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात महादेव है। दोस्तों, महादेव के इस चमत्कार के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय।